प्रदेश में स्कूली स्टूडेंट्स की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। जहां छुट्टियों के दौर में बच्चे पिकनिक पर जाकर छुट्टियां में अपना वक्त बिता रहे हैं, तो वहीं राजधानी के बच्चे जवाहर कला केंद्र में लगे जूनियर समर वर्कशॉप में कला के गुर सीख रहे हैं। हर साल की तरह जेकेके में लगने वाली जूनियर समर प्रोग्राम 2019 के अंतर्गत बच्चों के लिए थिएटर, नृत्य, संगीत, विजुअल आर्ट्स और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जेकेके की थिएटर कंसल्टेंट बबीता मदान ने बताया कि ये 15 मई से शुरू हुई है, जो कि 20 जून तक चलेगी और समर वर्कशॉप में 8 साल से 17 साल के लगभग 600 बच्चों ने भाग लिया है। जवाहर कला केंद्र में हर साल ये वर्कशॉप लगती है बच्चों के लिए, जूनियर समर कार्यशाला। इस जूनियर समर कार्यशाला में थिएटर होता है, म्यूजिक एंड डांस होता है और विजुअल आर्ट हम करते हैं। हमारे पास करीब 600 बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें थिएटर में हमारे पास 250 बच्चे हैं और विजुअल आर्ट और म्यूजिक एंड डांस में अगर हम मिलाएं तो 250-300 टोटल उसमें बच्चे हैं। थिएटर में हम अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, जिसमें हम उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करते हैं, लेकिन ये गेम के थ्रू ही होता है। गेम के थ्रू ही हम सारे काम करते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं पीछे जो चल रहा है वो सारा कॉन्फिडेंस, फेथ, कोऑर्डिनेशन और ये सब चीज़ें हम उनके साथ काम करें। कथक सिखाया जा रहा है, फोक डांस दिखाए जा रहे हैं, वोकल में गाना मतलब फोक सॉन्ग सिखाए जा रहे हैं और विजुअल आर्ट में फोटोग्राफी की क्लासेस है, मोबाइल के थ्रू आपको मूवी बनाना सिखाया जा रहा है। स्कूलों में छुट्टियों का दौर चल रहा है, बच्चे यहाँ पर जो है जयपुर के जवाहर कला केंद्र में हर साल लगने वाली थिएटर वर्कशॉप में यहाँ पर कुछ सीखने के लिए आए हुए हैं, जिसमें अलग अलग क्लासेज लग रही है, कहीं डांस की क्लासेज है तो कहीं थिएटर की तो कहीं म्यूजिक की क्लासेज लग रही है। हमारे साथ बच्चे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या सीख रहे हैं और कैसे आए। अपना नाम बताएं। गर्वित। अच्छा, आप यहाँ क्या सीखने के लिए? हम यहाँ थिएटर सीखना है। अच्छा, तो अभी तक क्या सीखा है आपने? हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, कोऑर्डिनेशन, ग्रुप में कैसे कोऑर्डिनेशन करते हैं, टीम वर्क कैसे करते हैं और दोस्तों के साथ। तो बच्चे तो छुट्टियों में पिकनिक पे जाना पसंद करते हैं और आप यहाँ छुट्टियों में भी क्लास सीखने के लिए आए हैं। यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। बच्चों को कहना है कि यहाँ पर छुट्टियों में मजा आता है, इसके लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ और भी है हमारे साथ छात्राएं छोटी छोटी, उनसे जाने के लिए अपना नाम बताएं। नैना। अच्छा, क्या सीखने के लिए है, क्या सीखा है बेटा? हमने अभी तक बहुत कुछ सीखा है, टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, हमें हम लोग एक साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, डांस है उनके सीख रहे हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं यहाँ पर जो डांस और डांडिया सीख रहे हैं, उनसे जाने की कोशिश है, किस तरीके का एक्सपीरियंस है, क्या नाम है बताएं? निशिका। यहाँ क्या सीखने के लिए आया? मैं सीखने आई फोक डांस। अच्छा, अब यहाँ पे क्या सीखा है अभी तक आपने, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो छुट्टियों में तो बच्चे घूमने के लिए जाते हैं, पिकनिक पे, आप यहाँ क्यों आए? मैं अब घूमने जाऊँगी जून में। तो छुट्टियों में आपने ये प्लान बनाया इस बार, कुछ और भी है हमारे साथ, उनसे भी पूछेंगे, बताएं अपना नाम। मैं फोक डांस इसलिए सीखने आई थी क्योंकि मेरे को करने में बहुत मज़ा आता है और दिल्ली में होता नहीं है, तो मैं अपने नानी के घर इसलिए आई थी ताकि मेरे को फोक डांस सीख। यहाँ न केवल जयपुर से बल्कि दिल्ली राजधानी से भी यहाँ बच्चे यहाँ पर सीखने के लिए आए हुए हैं, कुछ और भी बच्चे हैं उनसे जाने की कोशिश। अपना नाम बताएं। मोनिशा। अच्छा, क्या सीख रहे हैं अभी तक आपको, क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ का, किस तरीके का एक्सपीरियंस? हम फोक डांस सीखे, हमने अब तक डांडिया राजस्थानी डांस सीखा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अदिश्री जैन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग यहाँ पे हरियाणवी, राजस्थानी और बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के फोक डांसेस सीख रहे हैं। घूमने का प्लान तो है ही, लेकिन यहाँ पर हम ताकि कुछ सीख सके, छुट्टियों वेस्ट ना जाए, इसलिए हम यहाँ पे कुछ यूटिलाइज करने के लिए आए। बच्चों का कहना है कि छुट्टियाँ जो है वेस्ट ना जाए, उसके लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर बच्चे कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हुए हैं, जिसमें अपनी छुट्टियों का जो है वक्त है वह कहीं ना कहीं काम में ले रहे हैं। कैमरा पर्सन नेमीचंद पाचाल के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 TV जयपुर।